नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुगलों के ताजमहल से लड़ने को तैयार है आगरा की ये सफेद इमारत। 104 साल में हुई तैयार, अब यहाँ भी लगेगा टिकट। आगरा का नाम आते ही जहन में सबसे पहला नाम ताजमहल का आता है, और आए भी क्यों ना। दुनिया भर में ताजमहल को सातवें अजूबों में गिना गया है, और ऐसी इमारत आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगी जो एकदम हूबहू बनाई हो। लेकिन शायद अब आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ताजमहल को टक्कर देने के लिए आगरा में एक सफेद संगमरमर की इमारत खड़ी कर दी गई है, और लोग इसकी तुलना ताजमहल से कर रहे हैं। इस इमारत को बनने में करीबन 104 साल का समय लगा है, और अब ये रोज आध्यात्मिक चीजों में रहने वाले लोगों को आकर्षित कर रही है। पर्यटक अक्सर ताजमहल और इसके पास 12 किलोमीटर दूर स्वामी बाग में राधा स्वामी संप्रदाय के संस्थापक की अभी बनी समाधि की तुलना करते हैं। ताजमहल 17वीं शताब्दी के मध्य युग में शासन के दौरान हजारों कारीगरों और शिल्पकारों की मेहनत से 22 साल में इसे पूरा किया गया था। वहीं स्वामी बाग समाधि का निर्माण एक शताब्दी से ज्यादा समय तक चला। जानकारी के अनुसार इसका निर्माण रचनाकारों के अटूट विश्वास, उत्साह और समर्पण का प्रमाण है, और जो उनकी समाधि और मान्यताओं से प्रेरित था। ये इमारत 193 फीट ऊंची है और राजस्थान के मकराना के सफेद मार्बल से बनाई गई है। यहाँ आने वाले लोग पहले ही स्वामी बाग में मौजूद समाधि की तुलना ताजमहल से करनी शुरू कर दी थी, जो रोज दुनिया भर के हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल का मकबरा है। स्वामी बाग की यह समाधि राधा स्वामी के अनुयायियों के एक कॉलोनी के बीच है। स्वामी बाग का मतलब है भगवान का बगीचा। इसका 31.4 फुट सोने का चढ़ाया हुआ शिखर बेहद खूबसूरत है, जो ताजमहल से भी ऊंचा है। इसे खास रूप से दिल्ली से बुलाई हुई क्रेन की मदद से लगवाया गया था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें, और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।